नमस्कार आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लखनऊ की सरजमी पे, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं चाहूंगी आप हमारी ऑडियंस को अपने किरदार के बारे में विस्तार से बताएं। कृष्ण बिहारी वाजपेयी, अटल जी के पिताजी। हम अटल जी को देखते हैं, आज भी वो हम में मौजूद हैं। वो राजनीति और उनका जो कार्य रहा, सिर्फ उससे ही नहीं बल्कि उसके आगे चलकर वो जो इंसान थे और उन्होंने जो हमें प्रेरणा दी है उस वजह से। अटल जी कैसे बने होंगे और उनके पिताजी का उनमें क्या आया होगा, ये मैं अभी बताने से अच्छा है कि आप शो में देखिए, क्योंकि हम भी उसे, जैसे शांतिभूषण जी ने कहा कि वो पन्ने पलट रहे हैं, वैसे हम भी उन्हें ढूंढ रहे हैं। लेकिन बताने लायक बहुत है उनके बारे में। वो खुद ज्ञानी थे, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, ये सब भाषाओं में पंडित थे। उन्होंने हिंदी सिखाई, उनको अंग्रेज़ी सिखानी थी जो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सिखानी नहीं दी, लेकिन उनके सपने, उनके मन में क्रांति थी। फिर आगे चलकर वो हेडमास्टर भी बने, गोरखी के स्कूल में हेडमास्टर वो रिटायर हुए और वहाँ के स्कूल की जो प्रार्थना है वो उन्होंने लिखी है। और एक बात, आगे चलकर जब अपनी उम्र के 50 पार कर गए थे तब अटल जी के साथ उन्होंने लॉ में एडमिशन भी लिया था। अटल जी के साथ साथ वो पढ़े, परीक्षा भी पास की। तो ऐसी सोच रखने वाला, अपने बच्चों के लिए अपने खुद के सपने उनमें देखने वाला एक पिता और एक खुद संघर्ष करने वाला इंसान, यही है कृष्ण बिहारी वाजपेयी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, थैंक यू सो मच। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी आप हमारे साथ मंच पर बने रहें। लेडीज एंड जेंटलमैन, अटल के विश्वास, मूल्य और सोच पर उनकी माँ का गहरा प्रभाव था, जो कठिन समय में उनके मार्गदर्शन की किरण थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कृष्णा देवी जी की। तो जोरदार तालियों से हम लोग स्वागत करते हैं नेहा जोशी जी का, यानी कृष्णा देवी वाजपेयी जी का। नमस्कार नेहा जी, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं लखनऊ की सरजमी पर। और अब आपसे भी दरख्वास्त है कि आप अपने इतने महत्वपूर्ण किरदार के बारे में विस्तार से बताएं। दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है और हाथ कांप रहे हैं मेरे। आप सबकी बहुत आभारी हूँ कि आप यहाँ तक आए। दो वजहें हैं दिल धड़कने की। सबसे पहले तो ये है कि ये जो सामने लोग बैठे हैं, जो मुझ पे भरोसा करते हैं, जो जिन्होंने मुझ पे विश्वास दिखाया है कई बार, बस इतना चाहती हूँ कि वो विश्वास कायम रहे और मैं उन्होंने जो सोचा है मेरे लिए उस पे खरी उतर पाऊँ। आपको थैंक यू नहीं कहूँगी, आपको शुक्रिया नहीं कहूँगी, क्योंकि अब एक साथ जुड़कर जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं तो हमारे बीच कुछ फ़र्क रहा ही नहीं है। तो हम सब मिलकर आपके सामने ये प्रस्तुति ला रहे हैं अटल। दूसरी वजह है इस नर्वसनेस की, किसी भी बड़े इंसान को जब देखते हैं, उसका काम, उसकी जीवनी, तो हमेशा एक चाह रहती है कि इसके जीवन में एक बार झांक कर देखें कि ये कहाँ से आया है, ये संस्कार कौन से है, ये परवरिश क्या है। मुझे सिर्फ अटल जी के जीवन में झांकने का मौका नहीं मिल रहा है, मैं उसका हिस्सा बन रही हूँ, और एक ऐसा अहम हिस्सा जिसने इस रूप को साकार किया। मैं बात कर रही हूँ कृष्णा देवी वाजपेयी की। अब मैं जो लड़की हूँ, नेहा जोशी,
आप मेरे फोटोज देख लीजिए इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी आपने देखा होगा कि मैं कैसे बिंदास लड़की हूँ। लेकिन अभी जब मैं यहाँ आई हूँ मंच पर, मैं बार बार अपना पल्लू ठीक कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि कृष्णा देवी की ये मर्यादा है, ये उनका व्यक्तित्व है। और अगर कृष्णा देवी का पल्लू सर पे नहीं रहेगा तो सिर्फ अपने बच्चों के सामने, कभी कभी अपने पति के सामने, लेकिन अगर वो इतने सारे लोगों के बीच समाज में खड़ी है तो अपने मर्यादा में ही रहेगी। ये ऐसी औरत है जो 100 साल पहले के ज़माने में पढ़ी लिखी औरत थी, अपने ज़माने की सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी औरत ये थी। अपनी सोच थी, अपने विचार थे, लेकिन ऐसे ज़माने में पैदा हुई थी कि खुल के कुछ कह नहीं पाती थी, बात नहीं कर पाती थी। पति अंग्रेज सरकार की नौकरी में थे, उनकी बेबसी उनकी मजबूरी समझती थी, इतना बड़ा परिवार पालना था, उनके खिलाफ कभी नहीं थी। जैसे हम अभी खड़े हैं, हमेशा उनके साथ वैसे अड़िग खड़ी रही। लेकिन अपने बच्चों के मन में वो खुली आंखों से जो स्वतंत्र भारत का सपना देखती थी, वो सपना अपने बच्चों के आंखों में भी हल्के से काजल की तरह लगाती रहती थी। अपने बच्चों को इस काबिल बनाया कि वो चुनाव कर सके, सही गलत का फर्क उन्हें समझाया, और हम ये देख सकते हैं कि उसका नतीजा क्या है और किस तरह से उसके बच्चे ने एक चुनाव किया, और जिसका फ़ायदा मैं कहूँगी कि आज हम सबको हो रहा है। तो बस यही है कृष्णा देवी वाजपेयी, जिनसे अभी अभी मिली हूँ, उनसे और जान पहचान होगी, और कोशिश करूँगी कि पूरी कृष्णा देवी आपके सामने साकार कर सकूँ। थैंक यू सो मच नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी हमारे साथ मंच पर यही जुड़ी रहे। देवियों और सज्जनों, 7 साल की छोटी उम्र में अटल 3 बड़े भाइयों, 1 विवाहित बहन और 2 छोटी बहनों से घिरे हुए वाजपेयी परिवार में 5वें बच्चे थे। वो मन से एक क्रांतिकारी विचारक और जिज्ञासु स्वभाव के थे। अटल की माँ उनकी जिज्ञासु दिमाग को विकसित करने के लिए उनके प्रश्नों का उत्तर देने में कभी भी पीछे नहीं हटती थी और हमेशा ही उनका मार्गदर्शन करती थी। अटल अपनी माँ की बातों को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे तथा मातृभूमि एवं संस्कृति से बेहद प्यार करते थे। इसी के साथ साथ अपनी विरासत एवं मूल्यों को संरक्षित रखने में भी विश्वास करते थे। वो बचपन से ही हर बात को गहराई से सोचते तथा गलत बातों के विरोध को अपनी सूझबूझ और व्यंग्यात्मक तरीके से उस बात का सटीक जवाब भी देते थे। जी हाँ, ऐसे ही हैं हमारे अटल। उनके बचपन से जुड़े हुए ऐसे ही बहुत से अनकहे पहलू हैं जो हम हमारे दर्शकों को अटल के माध्यम से दिखाएंगे। और अब इसी के साथ इंतजार खत्म हो रहा है, समय आ चुका है हमारे मुख्य कलाकार, हमारे मुख्य किरदार अटल को आप सबसे मिलवाने का। तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं व्योम ठक्कर यानी हमारे अटल जी का। बहुत स्वागत है, और मैं चाहूंगी कि हमारी जो ऑडियंस, जिसको आपसे अभी से ही बहुत ज्यादा लगाव हो चुका है, मैं चाहूंगी हमारी ऑडियंस को आप हमारे प्रोमो में से कुछ पंक्तियां सुनाएं। खेत खेत कपास का, कपास किसान का, तो कपड़ा अंग्रेजों का क्यों? नौजवान इस देश का, देश हिंदुस्तानियों का, और हिंदुस्तान अंग्रेजों का क्यों? मिट्टी हमारी, अनाज हमारा, खून पसीना हमारा, तो बहेगा अंग्रेजों के लिए क्यों? जोरदार तालियां हो जाए, बहुत खूब, बहुत खूब, थैंक यू सो मच। एंड अब मैं चाहूंगी हमारे छोटे से